स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लास एंड वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। तो बच्चों, आपके स्वर, आपकी वर्णमाला हिंदी में कंप्लीट हो चुकी है। वर्णमाला में क्या क्या आते हैं? आपके स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। तो आपको मैंने स्वर भी बता दिए और व्यंजन भी बता दिए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से लर्न भी हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा दो वर्णों वाले शब्द कि बिना मात्रा के शब्द रीड करना। मैं आपको बताऊंगी, पहले बनाने बताऊंगी, फिर आप रीड भी कर सकते हो, करना भी बताऊंगी, ठीक है? तो दो वर्णों के शब्द कैसे बनते हैं, दो वर्णों को मिलाकर हम शब्द कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, फर्स्ट में माना कि मैंने लिखा टैग प्लस बैग, तो अब इसको आप जोड़कर लिखोगे, ठीक है? तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको एक साथ लिखना है ना, फिर रीड करना है। तो देखिए, टैग लिखेंगे, टैग लिखा, फिर क्या है बैग, ये प्लस हटा देंगे हम। ओके, तो अब देखिए बेटा, एक साथ रीड कीजिए इसको, जाएगा टैग बैग टब। ओके, फिर नेक्स्ट इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, जै प्लस गै। अब इसका शब्द क्या बनेगा? अब आपको व्यंजन और स्वर आते हैं तो आपको रीड करना तो अच्छे से आ जाएगा, आइडेंटिफाई तो वही करना। ये क्या है? जय, जैसे जग ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जय। फिर ये क्या है? गै, यहाँ लिखेंगे गै। अब इसको एक साथ पढ़िए, जय गै जग। ओके, समझ में आ रहा है? जय गै जग, टय गै टब। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, प्लस से, ठीक है? इसको एक साथ लिखेंगे, पहले क्या है दे, इसको क्या बोलते हैं दे। आप पहले बोलते थे जैसे दवा बने ही होते था ना, लेकिन हम शब्द बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे दे। ये क्या है? सही, जैसे सपेरा था ना, जैसे सपेरा था तो हम क्या बोलेंगे इसको से। तो अब आप इसको एक साथ रीड करोगे ना बेटा, तो ये क्या क्या बोला जाएगा? द से दस। ओके, फिर इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? रीड कीजिए, आपको रीड कीजिए, क्या है ये? फैसे फल, लेकिन हम क्या बोलेंगे? फे ले से लट्टू, तो क्या है? ले। तो देखिए शब्द कैसे बनेगा, फे पहले फे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ले। अब इसको एक साथ पढ़िए, फे ले फल। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, घै प्लस रे। अभी क्या है? घै से घर या घै से घड़ी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? घै, रे से रस्सी है तो रे, तो इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए घै घै लिखेंगे, ठीक है? फिर क्या है? रे, तो अब इसको एक साथ पढ़िए, घर घर। ओके, इस टाइप से आपको रीड करना है। एक बार फिर से मैं रीड करके बताती हूं, देखिए टै, इसको रीड कीजिए, टै बै टब, जै गै जल, ठीक है? द से दस, है ल फल, घर रे घर। इसे इस टाइप से आपको रीड करनी है। और आपकी जो बुक है बेटा, उसके अंदर भी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं आपको शब्द बहुत सारे, और इसके पीछे एक अभ्यास भी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो आपको फिल करने पहले स्वर के और फिर व्यंजन के। या तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा उसको भी कीजिए। और जो आपके पेज नंबर 22 एंड 23 पर आगे भी है बेटा, 25 एंड सॉरी 29 तक है ये बेटा, आगे भी है 29 तक नहीं 31 तक का। तो डेली का आप बेटा 1 पेज कीजिए, ज़्यादा नहीं होगा आपका, एंटर करने लगा और लाइनिंग में भी सीखिए, और आप डेली का 1 पेज कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 22 से। ये जो आपके है ना दो वर्णों वाले शब्द, तो इनको डेली 1 पेज आप फिल करेंगे, और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखेंगे, गुड हैंड राइटिंग इसमें है ना, और इनको जमा जमा करके और रीड करके साथ साथ में बोल बोल के लिखोगे आप, जिससे कि आपको बिना मात्रा के शब्द दो वर्णों वाले रीड करने आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स,